हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज भी हम आए हुए हैं पोखरा चौक मंदिर में। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और ये श्री राम जानकी मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है, और बगल में का दुर्गा माता शीतला माता की मंदिर है। तो अभी काफ़ी हम लोग शाम में आ चुके हैं, शाम हो चुके हैं यहाँ पे, तो हम लोग शाम में यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी ये हमारे पीछे अभी आप मंदिर को देख सकते हो, और मंदिर का गेट बंद है, तो अभी हम आपको कोशिश करते हैं अंदर लेके चलने का और आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं मंदिर घूमने के लिए, तो अभी फिलहाल अभी चलते हैं अंदर। और गाइस अभी हम चलते हैं मंदिर में। तो ये भी है श्री राम जानकी मंदिर, और अभी यहाँ पे देख सकते हैं साधु बाबा बैठे हुए हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं। और यहाँ पे मंदिर अभी बंद है क्योंकि हम लोग शाम में आए हुए हैं। तो इधर ये मंदिर का ग्राउंड है, और ये है हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और अभी चलते हैं जो शंकर जी का मंदिर है, तो वहाँ पर फिलहाल चलते हैं और शंकर जी शिवलिंग आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ पर, शायद आपको अच्छा से नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे देख सकते हैं बाहर से दिख रहा है, गेट बंद है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट बंद है, तो अंदर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और यहाँ जस्ट बगल में है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोखरा एक यहाँ है, वो ये भी काफ़ी पुराना है, और सामने दुर्गा माता की मंदिर है। और इधर जैसे मैंने पोखरा दिखा दिया, इधर राम जी हैं, और इधर है हनुमान जी। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहते हैं पुजारी, उन लोगों का रेसिडेंस यहाँ पे है, और उधर उन लोगों का किचन है जो अभी बंद है, और इधर धर्मशाला है। और ये मंदिर है हमारे, मतलब हमारे जो हमारा जो सिटी है, मंदिर हमारे सिटी के जस्ट स्टार्टिंग में ही, मतलब आप अगर इधर से आते हो तो जो हम लोग का ओवरब्रिज है वहाँ जहाँ ओवरब्रिज का एंड होता है वहीं पर ये मंदिर है। तो अभी आप अगर इस लोकेशन से हो तो आपको इसके बारे में पता ज़रूर होगा, और अगर नहीं हो तो फिर अभी ये मंदिर मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से, अभी फिलहाल बंद है। तो अभी फिर कभी हम लोग सुबह में आके और पूरा अंदर भगवान का जो प्रतिमा है उस सबको आपको हम लोग दिखाएंगे। और अभी हम लोग चलते हैं वहाँ शीतला माता का जो मंदिर है, तो वहाँ पर भी मंदिर अभी बंद ही है, तो फिलहाल वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। और यहीं पर जो है ये पूरा मंदिर आपको मैंने दिखा दिया, और वहाँ पर एक बगल में एक पेड़ है, तो वहाँ पर वो आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी पुराना पेड़ है ये, पेड़ दे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं बहुत पुराना पेड़ है। और ये मंदिर है, ये श्री राम जानकी मंदिर है, और ये है शंकर जी का मंदिर। और इधर एक कैंपस है इस मंदिर का, वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मंदिर का कैंपस है। और इधर धर्मशाला वगैरह जो भी है रेसिडेंस के लिए, अगर कोई आता है तो उसके रहने की व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाती है, वो रह सकता है यहाँ पे। और गाइस अभी टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं आपको पूरा मंदिर अच्छा से नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे आए ही लेट से हैं, और लेट से आने का वजह मतलब कुछ और ही था, तो हम लोग यहाँ से इसीलिए लेट से पहुँचे हैं। तो मंदिर अभी का यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो मंदिर अभी यहाँ का बंद है। और अभी फिर हम लोग अभी अच्छा से टाइम सुबह में यहाँ पर आएँगे, तो पूरा मंदिर आपको दिखाएँगे, अंदर भगवान की प्रतिमा है वो सब वगैरह वगैरह जो भी है सब आपको दिखाएँगे। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा है भगवान की, और वहाँ बगल में शीतला माता है, तो वहाँ पे भी हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ आपको मिल सके। और अगर टाइम से हो तो फिर आपको ये पता होगा ही होगा कि मंदिर किधर है, आपको इस मंदिर के बारे में निश्चित ही कि पता होगा। और अभी शंकर जी के मंदिर के गेट पर मैं खड़ा हूँ, और फिलहाल यहाँ से चलते हैं। और अब आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक मिल जाए। और मेरा जो चैलेंज चल रहा है वो चैलेंज सक्सेसफुल हो, अगर आपने सपोर्ट अगर करते रहे आप तो फिर वो चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यार से मैं सपोर्ट उस चैलेंज को कम्प्लीट करूँगा, और यही चैलेंज टूट भी सकता है, क्योंकि मतलब अंदर से मेरा क्या हो रहा है भाई, ये इमोशन जो होता है वो मतलब डाउन होता जा रहा है, मैं क्या करूँ। और बस सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।